हाय फ्रेंड्स, माय सेल्फ डॉक्टर शशि भोरीचा आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक कंडीशन एक्सप्लेन करूँगी जिसका नाम है गॉल स्टोन पैनक्रेटाइटिस। मैं आपको बताऊँगी कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं, इसके कॉज क्या है, और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आखिर गॉल स्टोन पैनक्रेटाइटिस क्या होता है? तो ये कंडीशन है जिसमें गॉल स्टोन के वजह से पैनक्रियाज में इन्फ्लामेशन होने लग जाती है। गॉल स्टोन पैनक्रेटाइटिस तभी होगा जब किसी पर्सन का स्टोन पैनक्रियाटिक डक्ट में जाके फंस जाता है, वहाँ पर ब्लॉकेज कर देता है। उसके वजह से जब पर्सन को इन्फ्लामेशन या फिर कोई इन्फेक्शन होने लग जाता है तो उसी कंडीशन को हम लोग गॉल स्टोन पैनक्रेटाइटिस कहते हैं। अब मैं आपको इसका सिम्टम बता देती हूँ कि अगर किसी पर्सन को गॉल ब्लैडर पैनक्रेटाइटिस हुआ है तो उसमें आपको क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम यही है कि पर्सन को सीवियर एब्डोमिनल पेन होने लग जाता है। पेन पर्सन को लेफ्ट साइड में हो सकता है एब्डोमिन के, इसके अलावा पेन रेडिएट होके शोल्डर की तरफ भी जा सकता है और चेस्ट या बैक साइड में हो सकता है। पर्सन को सीवियर नॉजिया एंड वॉमिटिंग की कंप्लेन होती है, उन्हें बहुत ज़्यादा वॉमिट आने लग जाता है। इसके अलावा पर्सन को स्वॉलन एब्डोमेन की कंप्लेन होती है, उनका जो एब्डोमिनल एरिया है वहाँ पे स्वेलिंग होने लग जाती है, और ऐसे पर्सन को डिहाइड्रेशन की कंप्लेन भी हो सकती है। इसके अलावा ऐसे पर्सन का हार्ट रेट फास्ट हो सकता है और इनको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ की कंप्लेन हो सकती है। इनका ब्लड प्रेशर गिर सकता है या फिर इनके बॉडी का जो टेम्परेचर है वो भी कम हो सकता है। इसके अलावा ऐसे पर्सन को फीवर या चिल्स की कंप्लेन हो सकती है और उनको जॉइंटिस की कंप्लेन भी हो सकती है। अब मैं आपको इसका कॉज बता देती हूँ कि आखिर क्या रीज़न है किसी पर्सन को गॉल स्टोन पैनक्रेटाइटिस होने का। तो इसका मेन इंपॉर्टेंट कॉज यही है कि अगर कोई स्टोन फंस जाए डक्ट पे और वो वहाँ से निकल नहीं पाए और एक ब्लॉकेज फॉर्म करने लग जाए तो उसके वजह से पर्सन को पैनक्रियाज में इन्फ्लामेशन होने लग जाती है। अब मैं आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बता देती हूँ जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मेडिसिन जैसे कि आप चैलिडोनियम मदर टिंक्चर फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं या फिर आप कार्डस मैरियानस 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप नक्स वॉमिका 30 या फिर आप लाइकोपोडियम 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। ये सारी की सारी मेडिसिन आपको 4-4 ड्रॉप दिन में 2 बार डायरेक्ट अपने टंग के ऊपर यूज़ करनी होगी। सो फ्रेंड्स, ये था गॉल स्टोन पैनक्रेटाइटिस। मैंने आपको बताया कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं, इसके कॉज क्या है, और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप किसी भी कंडीशन के लिए मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।